हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है बुधवार का, गुरुवार का गलती से मैंने पहले अपलोड कर दिया है और ये है उसके पहले दिन का, बुधवार का। तो यहाँ कपड़े मैंने सुबह ही लगा दी थी मशीन, तो कपड़े धुल के रेडी थे, तो अब काम निपट गया तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी डाल देती हूँ। जैसे ही मैं कपड़े निकालने लगी ना वॉशिंग मशीन में, तो पूरे कपड़ों में मुझे धूल सी चिपकी हुई लगी। तो एक बार तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि हो सकता है हस्बैंड जी के पॉकेट में ना कोई चिट्ठा या कोई लिस्ट रह गई होगी कागज़ की। तो ऐसा एक दो बार हो चुका है, कागज़ की लिस्ट वगैरह रहने से ना वॉशिंग मशीन में जाते ही वो पूरा कचुम्बर निकल के पूरे कपड़ों में धूल जैसा चिपक जाता। तो वही आज भी हुआ, कोई मतलब कागज़ या कोई चिट्ठा रह गया था हस्बैंड जी के पॉकेट में, तो वही पूरा कचुम्बर निकल के पूरे कपड़ों में चिपक सा गया, तो वही मैं देख रही थी। तो बट ना फिर सुखाने से जो है ना धूल झड़ जाती है, वो साफ़ हो जाता है थोड़ा सा झड़का के सुखा देने से। तो बस आ गई हूँ कपड़े सुखाने, तो सारे कपड़े को जो है ना फैला दूँगी। अभी इवनिंग का टाइम है, बता देती हूँ आप लोग को, अभी इवनिंग का टाइम है। तो मैं ना सारे कपड़ों को अच्छे से झड़का झड़का के, मतलब जो भी धूल है झड़क जाए झड़का के सुखा दे रही हूँ। बाकी जब सूख जाएंगे कपड़े तो धूल झड़क मतलब निकल जाती है, लेकिन डार्क कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा ही धूल लग रही थी, दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि ये क्या मालूम सूखने के बाद भी उतरेगा कि नहीं इस पे से, तो मैं ना उन कपड़ों को अलग रख ले रही हूँ। डार्क कपड़े और जो ब्लैक कलर के हैं उनको फिर ना खंगारूँगी हाथ से। तो ये देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि झड़काने से भी नहीं उतर रहे हैं, झड़काने से भी नहीं उतर, इसीलिए मैंने ना ब्लैक कपड़ों को ना जो भी ब्लैक कलर के हैं ना उनको रख दिया बाल्टी में ही। उनको हाथ से पानी से खंगारूंगी तभी शायद उसमें से धूल निकलेगी। बाकी कपड़ों को सबको मैं सुखा दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ना कागज़ जो है पूरे कपड़ों में ऐसे धूल जैसे चिपक गया। तो ये ब्लैक में कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना नल के नीचे पानी में हाथ से ही खंगार के डाल देती हूँ। कपड़े खंगारते खंगारते ना मुझे ध्यान आया कि केशव की डार्क कलर की मैरून कलर की टी शर्ट भी है, उसमें भी धूल बहुत ज़्यादा है, वो भी शायद नहीं उतरेगी, इसलिए वो भी ले आई हूँ, उसको भी खंगार ली हूँ। और एक दो कपड़े और भी थे वो भी डार्क कलर के ले आई हूँ, उनको भी खंगार कर नल पे ही टंगा दूँगी, पानी झड़ने के बाद फिर फैलाऊँगी। फ्रेंड्स अब हो गया डिनर बनाने का टाइम, रात का 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में। खाना तो प्रॉपर खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे दोनों गए हैं मेला घूमने और हस्बैंड जी जो है बाहर स्टॉल में बैठे हैं। तो इन लोग को क्या होता है ना, केशव और खुशी तो जाते हैं ना मेला में, चाट वगैरह कुछ भी खा के आ जाते हैं ना, तो उनको इतना भूख नहीं रहता है। और हस्बैंड जी भी बाहर बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और मेरे को भी ला के देते रहते हैं। तो ऐसा होता है ना, चारों जन का कुछ ना कुछ खा के ऐसे पेट भरा हुआ ही रहता, तो प्रॉपर खाना नहीं भाता है, इसीलिए मैं ना यहाँ पे सूजी का चिल्ला ही बना रही हूँ। तो बस 3-4 ठो बना के रख दूँगी, अगर किसी को खाना हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो फिर नाश्ता में काम आ जाएगा, इसीलिए सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ सूजी का चिल्ला ही बनाऊँगी। तो ये सूजी का चीला बुधवार को रात को भी मैंने बनाया था, 2-4 ठो बनाई थी, थोड़ी सूजी का घोल बच गया था ना उसमें, और सूजी डाल के मैं भिगो के रख दी थी। तो नेक्स्ट डे गुरुवार को भी मैं नाश्ते में यही बनाई थी, उसका ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही, आप लोगों ने देखा होगा शायद, नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? दिवाली आप लोगों की कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी दिवाली तो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है ना दिवाली का मेला लगता है 8 दिनों का, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। 2 साल से कोरोना के लिए नहीं हो रहा था
इस साल मनाया जा रहा है मेला और खूब धूमधाम से और बहुत यहाँ रौनक लगी हुई है घर के बाहर ही और छत से भी जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ भी ग्राउंड में भी झूले वगैरह दुकान बहुत सारी रौनक हो रखी है। घर के बाहर भी बहुत रौनक हो रखी है और यहाँ मैं बना रही हूँ चिल्ला। एक तो पहला वाला देखिए आप लोग टूट गया है, तो कभी कभी हो जाता है ना अच्छे से भी उतर जाता है पहला वाला या फिर कभी कभी टूट भी जाता है पहला चिल्ला। तो यहाँ पर जो है ना आज पहला चिल्ला टूट गया है, सेकंड वाला मैंने डाला हुआ है। तो चिल्ला मैं बना लेती हूँ फिर आप लोगों को बाहर की रौनक दिखाती हूँ कि कितनी रौनक लगी हुई है बाहर। तो आगे आप लोग बने रहिए ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आप लोग सुन रहे हो ना बैकग्राउंड में कितना लाउड म्यूजिक बजता रहता है। तो 8 दिनों का मेला था ना, तो 8 दिन सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक ऐसे ही लाउड म्यूजिक बजता था, इसीलिए मैं ना कोई भी वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। अब मेला ख़त्म हो चुका है इसीलिए मैं एक एक वीडियो वॉइस ओवर देख कर अपलोड कर रही हूँ। फ्रेंड्स दिखाती हूँ आप लोग को बाहर का नज़ारा और बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक बज रही है, तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स बाहर की रौनक, हस्बैंड जी भी यहाँ पर बैठे हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं कैसरोल और बच्चे लोग का वॉकर का, और ये कुछ दुकानें घर के आगे आगे और आसपास में लगी हुई हैं। तो ये सब भी अपना सामान समेट करना रात को हमारी बाउंड्री के अंदर ही रखते हैं। और यहाँ पर ये सोडा वाली गाड़ी भी है जिसमें कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स निकलते हैं ना, यहाँ पर ये गाड़ी भी रात को हमारे बाउंड्री के अंदर ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, अगर न्यू हो गए चैनल पर मेरे इस वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करके। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।